वेलकम टू हस्तिनापुर। आज हमें हल्की हस्तिनापुर में एंड अभी तो पहला मंदिर है, तो आपको अब मैं बैक कैमरे दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ है, कैसा कैसा एरिया है और कितने सुंदर प्यारे प्यारे मंदिर हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड अनदर न्यू जर्नी और एक और नई स्टोरी के साथ। माय नेम इज़ रोहित, वेलकम बैक टू माय चैनल इस आर के व्लॉग। चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अब मैं बैक कैमरा ऑन करते थे, स्टार्ट हो रही है सीढ़िया। ये एरिया तो कुछ ऐसा है, ये मंदिर के सामने दिखता है, मंदिर इधर है। तो अब हम मंदिर पे चल रहे हैं, मैं फैमिली के साथ हुए थे अपनी। आज हमारी पूरी फैमिली है, मम्मी पापा छोटी बहन। प्यारा है मंदिर बहुत। So beautiful. Okay, यहाँ पे कपल्स भी है। इसके आसपास और भी बहुत सारे मंदिर है। आज प्लान है कि सारे मंदिर देख ले, आज आए हैं तो। और मैंने आज भी लोग घर से स्टार्ट नहीं किया क्योंकि कोई घर से हम आते पैदल, और सामने ही मंदिर है, इसमें भी जाएंगे अभी हम। ये वाला सबसे बड़ा मंदिर है, इस मंदिर में भी चलेंगे अभी। ये आसपास का व्यू है। जो पहाड़ है जहाँ पे ये पांडवों का, जो पांच पांडव थे हमारे, सभी जानते हैं उनकी स्टोरी। मुझे इतनी हिस्ट्री नहीं पता है क्योंकि मैंने इतना रिसर्च किया नहीं, लेकिन अगर आप हिस्ट्री जानना चाहते हो तो आप नेट पे सर्च करके पढ़ सकते हो। एरिया कुछ ऐसे है। वाटर व्यू यार, वाटर व्यू। पापा और भाई है, पापा से आपने आज तक आप इंट्रोड्यूस नहीं हुए क्योंकि पापा को इतना शौक नहीं है इन चीजों में। मुझे ये यहाँ से व्यू कुछ ज्यादा ही प्यारा आ रहा है। ऊपर चलते हैं मेन मंदिर में। अरे वाह, यहाँ भी चलेंगे, क्या प्यारा व्यू है। यहाँ पे मंदिर इतने फेमस है, इतने बड़े हैं, बहुत प्यारे मंदिर है। ये हमारे अब नीचे चलते हैं। सबसे ऊपर से व्यू दिखा दिया सारे मंदिर का, मेन मंदिर का, सभी मंदिर का। अभी लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ बारी बारी करके। पहले ये वाला मंदिर था मेन, इसका बैकग्राउंड देख लो आप। अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये मंदिर है ऊपर। और अगले नेक्स्ट मंदिर जो दिखाऊंगा मैं आपको डायरेक्ट दिखा दूंगा बैक कैमरे से, ठीक है। दिस इज केक मंदिर। पिछली बार हम आए थे, ये नहीं था मेरे पास नहीं था, मतलब मैंने नहीं देखा। ये केक मंदिर है। ये मंदिर ज़्यादा बड़ा है, यहाँ का पार्क छोटा है। और जो उधर वाला था वहाँ का पार्क बहुत बड़ा था, मंदिर भी अच्छा ही था। पार्क के सीन कुछ ऐसे है, छोटे ही है, छोटा सा पार्क है। गमले रखे हुए रास्ते में प्यारे प्यारे। और ये है केक मंदिर। तो गाइस अब हम आ गए ये केक मंदिर। ये गमले रखे हुए प्यारे प्यारे सारे रास्ते में है, बीच में आना जाना। और ये है पीछे हमारे केक मंदिर। आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से अब ये वाला मंदिर कैसा है, क्या है अंदर, जाने देंगे नहीं जाने देंगे, कैमरा अलाउड है या नहीं है। वेलकम टू जम्मू दीप प्रवेश द्वार। यहाँ पे एक पेड़ है, इसके अंदर शीशे के अंदर, ए टू जेड शीशा है। थोड़ा सा जगह छोड़ी हुई है एयर के लिए, वरना एक पेड़ इस शीशे के अंदर है। ये मंदिर है अब हमारा जम्मू दीप। यहाँ पे साइड में आपको दुकानें मिल जाएगी, जो भी आपको खाना पीना हो। ये यहाँ पर रेलवे समय भी लिखा हुआ है, अगर आपको रेल से आना है तो आप यहाँ पे पुश कर लेना और वीडियो को देख लेना, समझ लेना।
बाकी तो यहाँ पे बंदर बहुत है, बंदर से बच के रहना, हाथ में कुछ खाने पीने का सामान मत रखना। ये एक लोटस टेम्पल है, मिनी लोटस टेम्पल। यहाँ पे मंदिर है, ये यहाँ पे एलिफेंट, ये यहाँ पे दो लेडीज खड़ी हुई है प्यारी प्यारी। कहाँ ट्रांसफर हो रहा है इस एलिफेंट का भाई? ये वाला पार्क बहुत प्यारा है, एरिया अच्छा है, लेकिन आप उस पार नहीं जा सकते, रस्सियाँ बांधी हुई है इन्होंने। आचार्य श्री शांति सागर प्रवेश प्रवचन हॉल, दिस इज प्रवचन हॉल, यहाँ पे प्रवचन दिए जाते हैं। आप यहाँ पे देखोगे ये जो है सामने, ये वाला ये मिनी टेम्पल है, छोटा सा। इसका बहुत बड़ा टेम्पल एक बड़े गांव में है जो बागपत से बहुत ही पास है, बड़ा गांव आपने सुना होगा, वहाँ पे आपको दिखाऊंगा जब, तो इसका बहुत बड़ा दिखाऊंगा, उसकी वीडियो भी आएगी व्लॉग में। बट अभी हस्तिनापुर में है तो हस्तिनापुर ही चल रहा है। एलिफेंट्स हैं यहाँ पे जगह जगह और काफ़ी प्यारा है। भाभी को झूला झूलना है लेकिन ये बंद है शायद। ये एक और बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, और ये मुझे पता नहीं ये क्यों घुमा रहे। ओके, यहाँ पे आप इस तरीके से एलिफेंट पे ट्रैवलिंग कर सकते हो, वहाँ से चढ़ाएंगे आपको, यहाँ से जाना है आपको हाथी की सवारी। और कृपया जूते चप्पल नीचे उतार कर ही ऊपर चढ़े, प्रति कूपन 20 रुपये भी है, 20 रुपये में। और इस एलिफेंट पर आपको बिठाएंगे ट्रैक्टर में, इसका राउंड लगवाएंगे और आपको उतार देंगे वापस। ये है, और यहाँ पे ये रेल है, इस रेल की भी 20 रुपये में है, आप इसके अंदर बैठिए, ये आपको घुमाएंगे रेलवे, ये भी 20 रुपये में। जितने भी मैक्सिमम झूले हैं सब 20 रुपये में है, और आप घूम सकते हो हाथी की सवारी करने। हम वैसे यहाँ पे बैठ जाते हैं, आपको हाथी की सवारी करते हुए दिखाते हैं, ये एरिया है भाई बैठने का, और ये हाथी की सवारी है, ट्रैक्टर से कराते हैं ये। ये आपको एक राउंड कराएगा, 20 रुपये का प्रति कूपन है। मैं और शालू और भाभी आए हुए हैं, भाभी आए बोलो हाय। ये एरिया कुछ ऐसा है, अच्छा यार हाथी पे, वैसे तो हम हाथी पे बैठा नहीं, मैं रियल हाथी पे तो कभी सवारी की नहीं मैंने, रियल हाथी की, लेकिन ट्रैक्टर से ही कर ली। यहाँ से सारे गए मिनी, ये पानी भी देते हैं वैसे, ये जो है इनसे ठेली से पानी निकलता है। देखो इस वक्त हम हाईलाइट में हैं क्योंकि हमें सब देख रहे हैं, सब देख के हंस रहे हैं हमें। अबे ये तो बिल्कुल असली हाथी वाली फीलिंग देता है, कुछ ज़्यादा हिलता है, असली हाथी वाली फीलिंग दे रहा है। अगला एरिया ऐसा है, एक वहाँ पे है, दिस इज गुलाब बागीचा। उसी की थोड़ी क्लिप डाल देंगे घूमने की चीज है, और हाथी पे हम बैठे हैं तो उसकी क्लिप तो आएगी। बाकी यहाँ ये वाला एरिया हो गया, अब वो एक देख लेते हैं।
सुबह हम निकले थे घर से 4 बजे, मैंने घर से वीडियो शूट नहीं की थी, मैंने आपको बताया था वही कि खाम का मैं ही आते हो तो वीडियो हमने इसलिए शूट नहीं की। मैंने ध्यान मंदिर दिखाते हैं आपको, मैंने आज खुद को बहुत कम दिखाया है क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने, मेरा फ्रेंड है, तो उसने बोला था यार खुद को जहाँ पे घूमते हैं वहाँ का एरिया ज़्यादा दिखाओ, मैं एरिया कम दिखाता था, इसलिए मैंने सोचा कि एरिया ज़्यादा दिखा देते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ पे एरिया ही एरिया है, एरिया इतना ज़्यादा है, यहाँ पे कितना भी दिखा दो, पार्क, इतने सारे मंदिर, और हस्तिनापुर बहुत मेन है, आप पढ़ सकते हो कहानियाँ हस्तिनापुर की। ये यहाँ पे पानी देता है ना। ओह माय गॉड, यहाँ पे आप ऐसे आओगे और यहाँ पे पैर रखोगे इस पे बीच में, इसमें जो बीच में है इसमें पैर रखना पड़ेगा, दबा 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 उसे ऐसे करके पानी देते है। इसमें बीच में सालू, इसमें बीच में रख, इसे दबा ऐसे, इसको दबाओ तो ये पानी देते हैं, पैर से अगर खड़े हो जाओ। ये है एरिया जो, रुक जा, इससे ऊपर चले। ये हम जो भीम ने अपने हाथों से पलटा हुआ है, ये पहाड़ है पूरा, हम इसके ऊपर जा रहे हैं यार, इंसान थोड़े होते हैं। हाँ दे यार, गॉड्स तो शक्ति तो थी, ये है वो, यहाँ तो आए थे मुस्लिम भी। इसके पूरा एक पहाड़ तरीके से बन गया ये, क्योंकि ये पलटा हुआ है, उलट पुलट जो भी की गई थी यहाँ पे, तो ये पहाड़ इसके चार तरफ पूरी बाउंड्री बनाई गई है। और ये हमारे भोलेनाथ जी, नंदी जी, और प्राचीन महादेव शिव मंदिर आप पढ़ सकते हो पुश करके, पांडव टीला, इसको पांडव टीला कहा गया, इसके ऊपर लिखा हुआ ये है पांडव टीला, जहाँ पे मैं खड़े है, नीचे से ऐसा होता है, नीचे से इतनी ऊपर है ये, यहाँ पे बंदर बहुत है यार। और जो यहाँ पे प्राचीन मंदिर है वो इधर है, ये वाला, अभी आपको इसके अंदर लेके चलते हैं हम। ये हस्तिनापुर का सबसे प्राचीन मंदिर, सबसे पुराना, इधर उधर साइड में उतार, जूते उतार के अंदर चलते हैं। ये सबसे प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे छोटा तो नहीं है, और यहाँ पे एक पेड़ है जिसके बारे में बहुत कहानियाँ हैं, आप नेट पे पढ़ लेना, मैं नहीं बताऊँगा इतनी सारी कहानियाँ। ये एरिया है पीछे का, और जो पेड़ है, और ये जो है ये कुआ है, ये कितना गहरा है मुझे नहीं पता। सबसे प्राचीन मंदिर, सबसे पुराना कुआ, यहाँ पे एक पेड़ और है जिसके बारे में कहानियां है बहुत बड़ी बड़ी, ये वाला है वो पेड़, प्राचीन पेड़, ये बहुत पुराना पेड़ है, इतना पुराना बताया गया इस मंदिर के टाइम का, और आपको तो पता ही है मंदिर कितना प्राचीन है, हस्तिनापुर का सबसे पुराना मंदिर यही है, बाकी तो सब बने हुए है बाद में, सबसे पुराना मंदिर ये भी हो गया। अब चलते हैं बाहर, प्राचीन मंदिर है जहाँ पांडव पूजा करते थे, और ये वो पेड़ है जो सबसे प्राचीन है, मेन पेड़ यही है।
तो गाइज अभी पहुंच गए हैं घर। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो लाइक कर दो वीडियो को, कमेंट कर दो, शेयर कर दो अपने ग्रुप्स में। इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।